हाँ तो भाई, एशिया कप का पहला मैच कह सकते हैं आ गया है ना, फर्स्ट मैच है ना, ही ना, फर्स्ट मैच आ गया भैया, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल। और एक बात सुन लीजिए भैया, चाहे कौनो टीम में भिड़ंत हो जाए, एक ही टीम का अगर हो डी टीम में प्लेयर नहीं आ सकता, इसका भी आएगा। मानते ही बात को ना, कौन कौन मानता है तभी कमेंट करके बताइए। आज पहली बार तो कि अगर हो एक का प्लेयर आ जाएगा, कितना मजबूत टीम हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान कौनो टीम हो, ठीक है, किसी भी टीम के साथ अगर भिड़ंत हो रहा है तो इनका दो चार प्लेयर तो डी टीम में आना ही आना है, ठीक है। हो सकता है इनका 8 आ जाए, इनका 3 आ जाए, मगर आएगा। तो वो कौन सा प्लेयर है जो आएगा डी टीम में नेपाल की तरफ से 4 प्लेयर, वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, और आपके आंखों के सामने आप भी देखेंगे, ठीक है। मगर कमेंट कर दीजिएगा भैया, भाई अगर हो आएगा कि नहीं आएगा, इससे बहुत फायदा होगा आपको, कमेंट करके खाली देखिएगा, है ना। कोई अगर जो लिख देता है कि नहीं, एक ही टीम से अगर हो आ जाएगा, तो उसका कमेंट पढ़िएगा, मजा अलग आने वाला है, ठीक है। जरूर लिखिएगा, थोड़ा सा मजा पानी आ जाएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, बात करें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान 30 अगस्त 3 बजे PM, कब? दोपहर। PM का मतलब वही दोपहर, ठीक है, याद रखिएगा, 3 बजे दोपहर मैच होने वाला है। तो भैया इसका हम अभी से प्रोडक्शन स्टार्ट करें, यही में से 4 प्लेयर छांटना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो और समझ लीजिएगा, छांट लीजिएगा, जिंदगी बन जाएगा, ठीक है, अगर एक टीम निकल गई तो आपकी। भाई ध्यान से वीडियो देखिएगा, और रही बात, अगर चैनल पर नए है ना, यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा पता है? जो भी हम वीडियो बनाएंगे ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, और आप उसको आसानी से पहले पहले देख पाएंगे, खोजना नहीं पड़ेगा कहीं जा करके, है ना, कि एशिया कप का भैया दूसरा वीडियो कौन बनाया, तनिक खोजे यूट्यूब पर, वो काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप तक हमारा वीडियो पहुंच जाएगा, आप देख करके उससे फायदा उठाएंगे और टीम अपना सटीक क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए खोजते हैं फिर नेपाल का वो 4 गो प्लेयर और पाकिस्तान का वो 7 गो प्लेयर, जो मिल करके हमारी डी टी टीम बनाएगी, ठीक है। ये देखे, ये भैया टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, ये फोटो को देख के लोग बोलते हैं, चला लगता है ये क्रिकेटर है, क्या कहूँ भाई, क्रिकेटर नहीं है, क्रिकेटर विश्लेषण करने वाला है ना। ये टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, क्या क्या मिलने वाला है, जिसके लिए मैं आपसे बोलता हूँ भैया एक लाइक हमको चाहिए। देखिए मैं क्या क्या देता हूँ आपके लिए, मैच डिटेल्स सब दूंगा ला करके, ठीक है, A to Z, पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट के साथ में दूंगा, ठीक है। तीसरी बात, स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस करके दिखाऊंगा, बहुत जरूरी स्पेशल बॉलर्स, ओके। उसके बाद टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, दोनों टीमों में जब भिड़ंत हुआ तो कैसा क्या हुआ, कोई जानता है क्या, तो नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में खोल के, तो कि पाकिस्तान और नेपाल के साथ मैच हुआ पहले, तो कौन कैसे क्या हुआ है, नहीं पता होगा, हम बताएंगे ना, हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे इसमें, ठीक है। ऑल प्लेयर स्टेटस डिटेल्स और प्लेयर बैटल, कौन किसको आउट करता है, कौन किसके सामने स्ट्रगल करता है खेलने में, है ना, समझते हैं ना, प्लेयर बैटल इसी का मतलब बोलते हैं, स्ट्रगल भाई, कौन बैटर है जो स्ट्रगल करता है, कौन बॉलर है जो स्ट्रगल करता है खेलने में, आपस में आमने सामने प्लेयर के, तो वो चीज आपको प्लेयर बैटल से हम देने वाले, ठीक है। की प्लेयर GLA नेशनल टीम आपको साथ में इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके लिए अगर मैं आपसे बोलू भैया, एक तो लाइक मार दीजिएगा, वो लाइक से क्या होता है पता आपको, मोटिवेशन आता है, टावर बोलते हैं पावर, वो चीज आता है, ठीक है। तो जल्दी से पावर बढ़ाइए, फटाफट से एक लाइक मारिए, आपका कुछ नहीं जाने वाला, मेरा बहुत चीज वापस आएगा, और जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उससे तो फिर पार कर रख देंगे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो मैं बोला ना कि लाइक देने से क्या होता है, इसमें आता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि वीडियो तो मैं अभी बना दिया, उसके बाद 10 घंटा 4 घंटा बाद ही ना टॉस होगा, तो टीम देंगे, तो हम आते हैं वीडियो देखने, भाई कितना लोग क्या क्या किया, थोड़ा देखे, अरे वाह आज तो तगड़ा लाइक है बाबा, अरे इधर थोड़ा सा जो है ना मूड चेंज हो जाता है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, मूड चेंज। मूड चेंज होने के बाद मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे टीम बनाता हूँ, ठीक है, जो देता है बिल्कुल फ्री, सारा काम मेरा, ये चीज ध्यान रखिएगा, सारा काम हम फ्री करते हैं आपके, जो मांगते हैं साफ साफ सामने मांगते हैं, ये टेलीग्राम पे हम टीम देते हैं, ठीक है। टीम भी ऐसा मिलता है ना, GL का टीम स्पेशल, GL स्पेशलिस्ट अगर बोले एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी, तो गलत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको यूट्यूब पर जितना है सब हेड टू हेड टीम देता है, मतलब दो लोग का सिर्फ खेलने वाला, उसमें आ गया रैंक 1 रैंक 2, तो अरे ये है वो है करना स्टार्ट, मगर हम एक अकेला है जो पूरा आपको ग्रैंड लीग देते हैं, ठीक है, वो भी खतरनाक वाला ग्रैंड लीग टीम, जो कि पिछला मैच देखे 17 नंबर, भले लास्ट में साला 381 आ गया तो बात अलग है, मगर 381 रैंक भी कुछ कहलाती है ना, 17 पे था मगर साला लास्ट में विकेट गिर के गड़बड़ा गया, नहीं तो उस दिन अच्छा खासा प्रोडक्शन
प्रॉफिट जनरेट होना था, और वही टीम में आपको भी देता है। ऐसा नहीं कि भाई हम लगाए आपको नहीं दिए, वो चीज नहीं होता अपने अंदर, ठीक है। तो वो टीम में आपको टेलीग्राम पे देता हूं और फिर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस क्या करना, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना, मोर पे क्लिक कीजिए, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहां पर क्लिक करिए, आ जाए डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएंगे यहाँ, हो यह ज्वाइन पे बस क्लिक कर लीजिए, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर गिववे 1 लाख का गिववे यहाँ पर हम देते हैं, कम है नहीं है, प्लस में टीम तो हम अलग देते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, बस आपको क्या है ज्वाइन करके रखना है, बस कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, डी लिए होंगे, जिससे कि आप तक वीडियो हमारा पहुंच पाए। चलिए भाई, अब यहां से वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट, पिच रिपोर्ट, ठीक है, जो आपके काम का। उस समय तक तो मैंने जो बताया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, ये सब मेरे काम का, जिससे हमें मोटिवेशन आता है आपके लाइक सब्सक्राइब से, ठीक ना। मैं अब आपको यहां से मैं दे रहा हूं आपके लिए, मतलब कह सकते हैं कीमती चीज, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। देखिए पिच रिपोर्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पिच जो है ना, ये जो पूरा ग्राउंड, यहाँ का पिच रिपोर्ट है मुल्तान का, देखिए ठीक है, पाकिस्तान मुल्तान का। ये एवरेज स्कोर 250 से 270 रन रहता है यहाँ पर, हाईएस्ट स्कोर 323 से, मतलब 3 विकेट पर, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट स्कोर 148 10 विकेट पर, तो उतना भी खराब यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। 148 पर 10 विकेट, यार बहुत अच्छा है तो जरूर 50 ओवर, मतलब ठीक है। और जगह जैसा नहीं है कि 60 या 80 रन पे 100 रन पे काम खत्म, ऐसा नहीं, ये लगभग ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेचुरल पिच भी कहा जाएगा, क्योंकि लगभग में उतना बन जा रहा, ठीक है, अच्छा खासा 323 रन भी बना है। फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में कुछ इस टाइप का यहाँ पर रन बनता और विकेट गिरता है, ठीक है, ध्यान देते जाइए। आपको भी कुछ लिखना पड़ेगा, बिना लिखे पड़े नहीं होगा काम, हम भी लिखते हैं, 6-6 पन्ना 10-10 पन्ना भरता है रोज का, ऐसे ही नहीं भरता, लिखिए, लिखिएगा तो आपके पास बहुत डाटा रहेगा। आज नहीं चला, हाँ तो क्या गलती की, देखिए नहीं चला भाई, कल को आपको डाटा दिखाई देगा, ठीक है, ये लिख लीजिए। एशिया कप का कम से कम पूरा डिटेल आपके पास एक पन्ने में होना चाहिए, ले लीजिए, 10-20 रुपये कॉपी मिले ले लीजिए, लिखिए मगर आज से, ठीक है। विकेट स्टेटस देखिए, समझ में आना चाहिए ना, 3 ODI मैच जो हुआ है, इसमें कौन सा बॉलर को ज्यादा विकेट मिला है, तो देखिए यहाँ पर पेसर को 23, स्पिनर को 24, मिला जुला के दोनों को लगभग में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पेसर एंड स्पिनर बोथ गेट हेल्प, मतलब दोनों को बराबर हेल्प मिल रहा है, समझ गए ना, तो दोनों को बराबर है, मगर फिर भी इसमें कौन सा पेसर और कौन सा स्पिनर होगा वो चीज मैं आपको वहां पर दिखाने जाना हूँ, क्योंकि 4 कैटेगरी में हमने दोनों को बांटा है ना, इधर हमने पेसर को रखा है तो इधर हमने स्पिनर को रखा है, इसमें 4-4 लोग हैं। अब इसमें 4 में से कौन है आखिर में जिसको विकेट ज्यादा मिल रहा है, वो चीज कौन बताएगा आपको, मैं बताऊंगा, आगे बता रहा हूँ, ठीक है, पहले इस चीज को समझिए। यहाँ पर देखिए वेन्यू ODI स्टेटस, 5-5 बार दोनों, मतलब कि 10 मैच हुआ है, 5 फर्स्ट 5 सेकंड बैटिंग करना जीता, मिला जुला का है बात बराबर है। स्कोरिंग पैटर्न बिलो स्कोर, मतलब 200 से नीचे 1 बार सिर्फ बना है, उसके बाद बिटवीन 200 से 249 3 बार है, 250 से 299 4 बार है। स्कोरिंग यहाँ पर 300 ऊपर 2 बार गया, तो मिला जुला कह सकता है 200 से नीचे सिर्फ 1 ही बार बना है, तो 10 मैचों में यार बहुत कम है कह सकते हैं। यहाँ पर स्कोरिंग क्या है, पिछाइए, स्कोर बनेगा, देखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए, स्कोर बनेगा तो थोड़ा सा बैट्समैन भी हमारे पास होने चाहिए, है ना, जब स्कोर बन रही है तो बैट्समैन होना चाहिए। मगर हाँ, ये चीज मत भूलिएगा कि विकेट भी गिर रहा है, 9 विकेट 8 विकेट 8 विकेट 10 विकेट 10 विकेट 5 विकेट, विकेट भी दबा गिरा, कोई ऐसा नहीं हुआ कि 2 विकेट में मैं पूरा मैच जीत लिया, ऐसा नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा, ठीक है, 3 मैचों का अगर कंपेयर कर रहे तब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर एक तो ले लीजिएगा, बहुत ही आसान रहेगा जब आप टीम बनाएंगे तब। अब देखिए रिसेंट मैच, ये तीनों मैच 2022 का ही हुआ है, ठीक है, और नेपाल के साथ में कोई नहीं है भाई, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। तो ये पाक विंडीज का है तो देखने का मतलब ही नहीं बनता है, बाकी आप देख सकते हैं स्पिनर को 6-6 विकेट 2 विकेट यहाँ पर 6-4 है ना, तो मतलब मिला जुला के दोनों को यहाँ पर विकेट मिला, कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है। 269 फिर 216 यहाँ पर 305 306 रन बना दिए, यहाँ पर 275 यहाँ पर 155 रन ऐसा, तो मतलब कहने का मतलब है कभी फर्स्ट ओवर जीत रहा है कभी सेकंड ओवर जीत रहा है, इसलिए बराबर 5-5 बार आया, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है इसमें। मगर इसमें देखिए जो मैं बात बता रहा था कौन सा फास्टर और कौन सा स्पिनर, तो लास्ट यहाँ पर जो 3 मैच हुआ है ना, इसमें देखिए अगर फास्टर की बात करें तो राइट आर्म फास्ट मीडियम, इस पे थोड़ा सा फोकस करने का, उसके बाद यहाँ पर स्पिनर में कौन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये इसको नहीं करने का, लेफ्ट आर्म चाइना मैन को मत देखिएगा, चाइना मैन कौन है अपना, ये जो है यादव करके अपने
टीम में क्या नाम है यार उनका, याद नहीं आ रहा मेरे को, चाइना मैन है ना, उस टाइप के अपने को नहीं देखने का। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, अच्छा चला है। उसके बाद अगर बात करें राइट आर्म फास्ट है, उसके बाद यहाँ पर लेग ब्रेक वगैरह को है बस, मतलब सबसे पहले अगर प्योरिटी मिले तो इनको आप दीजिए, उसके बाद इनको दे सकते हैं, बाकी सब कम कम है, उतना नहीं। समझे, फायदा हुआ ना? ये चीजें हैं फायदा, यहाँ पर आप देख करके फायदा उठाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ प्लेयर को बता देंगे अरे बाबर हाँ चलेगा, ऐसा हम नहीं बोलते भाई, हम देखा करके आपको, तब उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं कि हाँ आज क्या है क्या नहीं। आप भी उचित बोल सकते हैं जब इतना देख के चलेंगे तब, ध्यान से, ठीक है, मगर ध्यान से, ऐसे नहीं। अब देखिए इन दोनों के बीच में आज तक एक को मैच हुआ नहीं है, मगर रिसेंट मैच की बात कर जो हो रहा है, इसमें क्या हुआ यहाँ पर अगर बात करें नेपाल के, देखिए विन लॉस 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 विन है, ठीक है। पाकिस्तान क्या है, तीनों बार विन विन विन, यहाँ पर लॉस है यहाँ पर विन है, चार बार, मतलब ये पाकिस्तान जीता है पांच बार में से, तो नेपाल यहाँ पर पांच बार में से दो बार सिर्फ जीता है। नेपाल भाई आगे एशिया कप खेलने वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मगर फिर भी इसमें से चार प्लेयर आएगा भाई डी टीम में, रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन है दिखाता हूँ आपको, देखिए एक चीज आपके लिए मैं लाया हूँ यहाँ पर, एशिया कप का लीडर बोर्ड है ना, जितना मैच खेलेंगे ये बल्लेबाजी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फट से जाकर अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ डाउनलोड करते हैं ₹50 मिल जाता है खेलने के लिए, प्लस में इतना प्रॉफिट देखिए फिर इसमें क्या क्या। देखिए यहाँ पर तो आईफोन मिल जाएगा, यहाँ पर ईयरबड सब आईफोन का है ना, एप्पल का सब है, वॉच भी एप्पल का मिलेगा जो वॉच आप पहनेंगे, ठीक है, तीनों चीज मिलेगा पहला नंबर, ओके। दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए 30 लाख का यहाँ पर गारंटीड है, ठीक है, इन एशिया कप का, करो वर्ल्ड कप का वार्म अप, ओके। उसके बाद गेट 10% एक्स्ट्रा BB10, आप डाल के जो भी डिपॉजिट करेंगे आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने आपको यहीं पर बता दिया, अब आगे और देखिए, आगे और देखिए, एक चीज और आया है यहाँ पर, देखिए प्लेयर स्टॉक्स, स्टॉक्स मार्केट जानते हैं ना, उस टाइप का प्लेयर स्टॉक आया है। अब इसको कैसे यूज करना है बताऊंगा, आज से ही स्टार्ट हुआ है तो धीरे मैं भी सीखूंगा खेलूंगा तो आपको ही बताऊंगा, ठीक है, मगर फिर भी जितना तक पता उतना मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए गो लॉन्ग है गो शॉर्ट है इसमें, ठीक है, गो लॉन्ग मतलब ऊपर जाने वाला जिसका पॉइंट ज्यादा हाई होने वाला, गो शॉर्ट मतलब कम, ठीक है, एक पॉइंट निर्धारित है, जैसे कह सकते हैं ₹50 का ये है, ठीक है, ₹1 में एक पॉइंट ऐसा करके बढ़ता है, मतलब एक पॉइंट का ₹1 भी बोल सकते हैं ऐसा मिलता है, ठीक है, तो 50 का आप खरीदेंगे, अगर ये मान लीजिए 100 पॉइंट उस दिन बना दिया तो ₹50 आपके प्रॉफिट हो गए बाबर आजम से, ठीक है। अगर 80 बनाया, 80 एक्स्ट्रा बना दिया मतलब 50 से ऊपर, 80 मिल गया, मतलब एक का एक यहाँ पर मिलता है, तो इसको बोलते हैं प्लेयर स्टॉक, ठीक है। कौन कितना, जैसे मान लीजिए आप किसी को कैप्टन बना रहे हैं, क्या सोच के बना रहे हो, वो ज्यादा पॉइंट मेरे को देगा तो उस पर आप स्टॉक लगा सकते हैं अपना, ठीक है। जैसे इनका देखिए 50 है 55 है यहाँ पर ट्रेड साइन अप्रीदी का, 45 इनका है 38 इनका, तो सबका ट्रेडिंग का अलग अलग फीस है, इतना फीस आपका लगेगा, मगर वो जितना उसके बाद मारेगा उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा ऐसे कैसे मिलता चला जाएगा, ठीक है, बात समझ गए ना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ये भी लेकर के आ गया। उसके बाद और दिखाऊं, ये देखिए सबसे कमाल का अभी के समय में अगर कह सकते हैं फैशनेबल जो चल रहा है ना, ये है कौन, स्टैक्स फैंटेसी, जिसको हम खेल के साले को ₹15,000 रात में था, मगर खेले साले को दबा के रात भर कितना हो गया ₹52,000 हो गया उसी में, 15 से सीधे 52 पहुंचा दिए, दिखाए थे ना, अभी भी होगा जाके देख लीजिएगा, अभी विड्रॉ नहीं किया, आज विड्रॉ करेंगे, छोड़ दिया था, छोड़ रहा है साले को, खेलेंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, फिर सोचा विड्रॉ कर लेते थोड़ा सा 10-15 हजार फिर छोड़ देंगे, बाकी सब कर लेंगे विड्रॉ, ठीक है। तो कैसे, इसमें कुछ नहीं करना, पाकिस्तान विल विन द ODI मैच अगेंस्ट नेपाल, आ हा हा हा, एकदम तगड़ा सवाल कर सकते, पाकिस्तान नेपाल से जीतेगा कि नहीं, नहीं जीतेगा है, अरे जीतेगा नहीं जीतेगा, बस यस या नो में आपको जवाब देना, ट्रू या फॉल्स, अगर फैंटेसी खेलते हैं दब है तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक ना, और जो फैंटेसी खेल रहा सिर्फ बस इशारे पे चल रहा है इसे जो बता दें हाँ ये, उसके लिए ये जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है गजरा मुरई का होता है, ठीक ना, गजरा मुरई के लिए आपको खुद से करना पड़ता है मेहनत, तब पता चलता है ये सब जवाब, सवालों का जवाब, और सटीक देकर का पैसा कमा सकते, पैसा कमाने के सिर्फ फैंटेसी नहीं है, बहुत चीज है, ठीक है, ये है बल्लेबाजी मेरे दोस्त। यहाँ देखिए ₹10 में, यहाँ देखिए ₹1 में, यहाँ देखिए 5,175 जो सबसे प्यारा लीग ये वाला, ठीक है, इसमें सीधा 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है, ये सब लीगे हैं यहाँ पर, आप खेल करके पैसा ₹1, ₹2, ₹10 जो भी हो कमा सकते हैं, मगर सबसे पहले इसको खेलना आप लोग स्टार्ट करिए अभी, अभी दो दिन, आज से दो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है, आज ही करिए तो और भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि एक कमजोर टीम और एक मजबूत टीम में टक्कर हो रहा है, इसमें 100 सवाल लाइव आपको दिखाई देगा, ये इतना में इतना में इतना में ऐसे रन ये वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, आप पूरा छा जाएंगे पैसा कमा के, ठीक है, एकदम दनादन कर सकते हैं, पैसे पैसा खाली होगा आज, बस एक दो बार खेलना पहले सीखिए, आज लगाइएगा, ठीक है, आज क्योंकि अच्छा मैच है।
दोनों मजबूत टीम में जब होता है मैच तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, मगर एक कमजोर एक मजबूत टीम में हो तो मजा अलग होता है। ओके, अब देखिए पॉसिबल प्लेइंग 11 पाकिस्तान का। अब मैं थोड़ा सा यहां से अपने को फास्ट करूंगा यहां से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फकर जमान लेफ्ट हैंड बैटर, ठीक है। स्टेटस ओडीआई की अगर मैं बात करूं, 73 मैच है, 3207 रन मारे हैं, एवरेज 47.16 का, हेड टू हेड में कुछ नहीं है, दोनों के साथ मैच बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद वेन्यू तीन, मतलब क्या वेन्यू पर तीन मैच खेले हैं, ठीक है, 63 रन है, 21 का एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस में देखिए 27, ये मेरे को पिछला बार डुबा दिया था। अगर मैं इसके जगह पे बाबर आजम को वीसी अगर बनाया होता तो मैं रैंक 1 था उस दिन, यही मेरे को डुबाया था बस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बंदे को। आराम से 27 रन पे ही मेरा वीसी सिमट गया था, उससे अच्छा बाबर नवाज सब अच्छा चला था उस दिन, मगर होता है ना थोड़ा सा चूक, वही चूक हो रहा, बाकी सारे प्लेयर सटीक बैठे थे। 17 रैंक यार कुछ कहलाता है ना, 17 रैंक पे सलाह करके फिर वापस 391 पे फिर भी जो मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था ना वो मेरा सक्सेस हुआ कि हाँ ऐसे काम करने से होता है। और वही वीडियो में बनाया भी हूँ, लिंक आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में और प्लस में इन स्क्रीन में भी दिखाई देगा, ऊपर आई बटन में भी दिखाई देता होगा, आप चाहे तो देख लीजिएगा उसको भी, ठीक ना। उस हिसाब से टीम बनाएंगे तो आप जीत के करीब पहुंचेंगे, याद रखिएगा। तो ये है फकर जमन, फकर जमन देखिए सिस्टम ये है भाई, ये कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, और अभी चल भी रहे तो 30-33-27 ये वाला सिस्टम इनके पास है, ज्यादा कुछ नहीं है, देख ही सकते हैं तीन मैच खेले तो है मगर 63 रन यहाँ पर है ना, कुछ ज्यादा खास नहीं। इमामुल हक 51 का एवरेज है इनका, हेड टू हेड कुछ नहीं है, 66 का यहाँ पर एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस में अगर बात करें 13-91-61, ये बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है बंदा, और तीन मैच इस जगह पे खेला है वेन्यू पे, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं तीन मैच में 66 का एवरेज है, कहाँ इसका 21 का एवरेज है ना, दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देता है, तो इसको लेकर जा सकते हैं आप अपने टीम में, ठीक है। अब अगला बार तो हम नहीं ले गए थे क्योंकि नहीं भी चला था, नहीं ले गए थे है ना, इस बार मगर लेकर जा सकते हैं। इमामुल हक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब बहुत तगड़ा आ चुका है। बाबर आजम 60 का एवरेज है, 58 का एवरेज है, 60-53-01-107 है वे कौन पाकिस्तान है भाई, ये लोग हैं बस, बाबर रिजवान ये सब जो कमाल थोड़ा सा करता है सब, 67-2-21-9-24, ठीक है। तो ये दो चार बैट्समैन गिना चुना आगे कहा है, उसके बाद सब खत्म बाजार, बाकी टीम जो है मैच कैसे जीतती है, पाकिस्तान पे जीतती है, ठीक है, पाकिस्तान के बॉलर पे, सॉरी बॉलर ही मैच जीता था, बाकी तिल्लो का यही तक रोल है। ये तीनों आपके पास तो होने ही चाहिए स्टार्टिंग, ठीक है, और हो सकता है अगर मल्टीपल टीम बनाएंगे तो चारों को ले लीजिएगा, ठीक है, एक को इधर से ब्रेक करके अगर को ले लीजिएगा उधर से, तो ऐसा करके आपको टीम बनाना है। अगस्त सलमान देखिए जब मैं लिया तो उस दिन बड़ा अच्छा काम किया था, बाकी जो दो दिन नहीं लिया तो बड़ा बेकार काम किया था, ये उस दिन सब बहुत अच्छा चला था यार, मैं क्या बताया, थोड़ा सा बीसी से गड़बड़ा गया था। अगस्त सलमान का भी ठीक है भाई, भले दो मैच यहाँ पर नहीं चला था मगर इसका भी कह सकते हैं स्टेटस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है अगस्त सलमान। इफ्तिकार अहमद का 94 बड़ा पारी एक बार आया है, बाकी सब कम आया, उतना अच्छा पारी नहीं है, ठीक है। मगर अगर बात करें नेपाल और पाकिस्तान से तो भाई थोड़ा सा तो मजबूती आएगा है ना, तो आप अगर मेरे जैसा काम करते हैं रोटेशन जानते हैं ना, नहीं जानते पिछला वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, उसमें रोटेशन करना हमें सिखाया हुआ है कि कैसे आप रोटेशन करेंगे। अगर मान लीजिए लेके जाना चाहते हैं इनको तो आपको ऊपर से एक आध बैट्समैन किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा एक टीम में, ठीक है, तीन चार टीम कम से कम पांच टीम तो भाई बनने चाहिए जीएल के लिए अगर खेल रहे, तब एक टीम से बस लगा के तो अरे हाँ होना हो तो इसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे, रुपया पैसा सब लगाना पड़ेगा सब चीज, तब जाके होगा। हम भी लगाए थे उस दिन करीब 6 टीम बनाए थे, ठीक है, हालांकि 6 टीम का एंट्री वापस आया, बाकी एक जो 317 के 381 जो लास्ट रैंक पे गया था उस पर अच्छा खासा पैसा आया था, जो कि अपने सब दोस्तों में हम बांट दिए, नहीं रखे बस 4 लोग में 4 हिस्सा हो गया, 300 या 400 कुछ रुपया मेरे को पड़ा था, बाकी सब बांट दिए है ना ऐसा है। शादाब खान ये देखिए अपना जो है कि अच्छा खासा ऑलराउंडर है, तो इनको भी लेके जानी है, 3 मैचों में 7 विकेट इस वेन्यू पे ठीक ठाक स्कोरिंग है ना यार विकेट। यहाँ पर देखिए उस्मा मीमीर की बात करें तो इनको तो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, मगर रिसेंट की बात करें तो 1-0-2-4 उस्मा मीर यार कभी कभी मूड खराब करता है, कभी ठीक है कभी कभी मूड खराब है, इसलिए हम छोड़ ही दे रहे हैं, बेकार है। शाहीन अफरीदी ये ठीक है बंदा हमेशा के लिए कंटिन्यू है, ठीक है। और इकोनॉमी देखिए 5.5 का इकोनॉमी है, उससे कम ही है ज्यादा नहीं है। हरीश रऊफ की बात करें तो 2-4 यहाँ पर 2 मैचों में 4 विकेट हरीश रऊफ, बाकी 5-1 देख रहे हैं, इसलिए जब लेता है विकेट तो बड़ा तगड़ा लेता है, जब नहीं लेगा तो नहीं लेगा। हरीश रऊफ को भी टीम में रखिए, मतलब बॉलर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, देख रहे हैं सब नसीम साहब बोला मैं ना, ये सब बॉलर ही है जो पाकिस्तान को मैच जिताते हैं, सही बता रहे हैं, तो बैट्समैन इनके कभी कभी पुश हो जाते हैं, मैं देखा हूँ
ये लोग कुछ जल्दी नहीं होता, ठीक है। नसीम साहब मतलब कह सकता पीछे का तीनों बॉलर तगड़ा है, ओके। उसके बाद बेंच प्लेयर, और ये देखिए स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर कौन करेगा, तो भाई अफरीदी है, शाहीन अफरीदी, अरे अहर चल, नसीम शाह, हरीश रऊफ, उसके बाद शादाब खान, हरीश रऊफ और शाहीन अफरीदी, ये जितना मतलब कह सकते हैं चारों बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों का आप छोड़ नहीं नहीं सकते, यही लोग के बदौलत मैच जीतेगा भी आदमी, देख लीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ, ठीक ना। अच्छा खासा विकेट गिरेगा नेपाल का, उसके बाद पॉसिबल प्लेइंग 11, ये नेपाल का बहुत ही मुबारकबाद भाई, पहला पाकिस्तान से मैच खेलने का है ना। इसके बाद देखिए यार आज का मैच जीतेगा कौन, यार हमको नहीं लगता कि नेपाल जीतेगा मैच, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। दोनों में से आज का मैच जीतेगा कौन, देखिए कौशल की बात करें तो कौशल 8, 35, 27, 5, 39 इतना ही इनका है, 22 का इनका एवरेज है। उसके बाद आसिफ शेख की बात करें तो इनका है 0, 28, 12, 66 और 8, और वेन्यू और हेड टू हेड का तो मतलब चांस है नहीं है किसी का भी, ठीक है। बाकी यही हम देख सकते हैं 41 में 31 का एवरेज है इसका, 22 का एवरेज है, तो ये ठीक है भाई, कम से कम 31 तक जा तो रहा है एवरेज ने, ठीक है। इनको आप एक थोड़ा रख लेंगे अगर रखना है तब, नहीं तो खाली बॉलर रखेंगे, बाकी और रखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। रोहित की बात करें, रोहित 29, 4, 33, 30, 16 अगर बात करें तो 31 का एवरेज है इसके पास, 34 का एवरेज है। भीम के पास 34 का ही, मगर है ये है कि बहुत बार फ्लॉप भी होता है, कभी कभी चलता है लंबा पारी है, बाकी फ्लॉप होता है, तो 34 का इनके पास एवरेज है। 52 में 1469 और 17 में 452, चलिए ठीक है, इन्हीं को टीम में आप रखिएगा, ठीक है। मगर यार कौशल मल्ला 44-2, बड़ा कन्फ्यूजन वाला सिस्टम है बाबू, ये जान लीजिएगा, इनके टीम से बैटर को रखना ही कन्फ्यूजन का काम है ना। दीपरा की बात, दीपेंद्र 0, 79, 39, चलिए ये तो कम से कम बॉलिंग करता है, तो एक तो इसको रखिए, स्टार्टिंग से आप छोड़िए सबको, ठीक है ना, एक तो इनको रखिए, ठीक है। हम सिर्फ क्या करेंगे ना, यहाँ से जो बॉलिंग करेगा और बैटिंग करेगा उनको लेकर जाएंगे, और नहीं तो बॉलिंग जो करेगा उसको लेकर जाएंगे, बाकी हम पाकिस्तान से ज्यादा रिस्क, ये सॉरी नेपाल से ज्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे, ठीक है। और रही बात, अपना सिस्टम जानते हैं ना, तीसरा मैच में हम लोग दबा खर्चा करने वाले हैं, पहला दूसरा मैच में हम लोग दबा खर्चा नहीं करते, याद रखिए। गुलशन झा की बात करें, ये भी ठीक है, ठीक है, जो बॉलिंग बैटिंग कर रहा उसमें से आप चार टीम लेके जाइएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। संदीप की बात कर, संदीप का स्टेटस 49 में 111 ही ठीक है, बोलो ठीक है ना, ये दिखता है भाई 49 में 111 विकेट कुछ दिखता है, कभी तो एक आठ चटकाएगा, थोड़े किसी को नहीं चटकाएगा। उसके बाद यहाँ पर 47 में 73 रन सोमपाल, और उसके बाद करण की बात करें तो करण में 46 में 73 है, तो ये ठीक है, ठीक है, इनको भी आप टीम में रखिए, ओके। उसके बाद देखिए शॉर्ट में मैं प्रिडिक्शन देता हूँ, ज्यादा पंचायत वाला काम नहीं करता मैं, ठीक ना। ललित, ललित की बात करें 21 में 28 है, तो ये तो उतना जम नहीं रहा, मैं फिर भी 3-4 विकेट जब भी लेता है, 3-4 विकेट लेता है, तो इनको भी टीम में रखे, तो मिला जुला के 3 बॉलर यहाँ से होगा, 1 ऑलराउंडर 4 हो गया, बस इतना ही काफी है, ठीक है। हाँ, अगर आप ज्यादा आगे टीम बनाएंगे तो रोटेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक ना, एक को उधर से दबाइएगा तो इधर से एक को उठा दीजिएगा, मान लीजिए कैसे, जैसे एक बॉलर को हम कम इसी को हम नहीं लेंगे तो एक हम आगे का बैट्समैन ले लेंगे, ठीक ना, ऐसा आप करिएगा नेपाल से, बाकी ज्यादा नेपाल से टीम मत रखिएगा, ओके। 7 उधर से 4 इधर, ये कॉम्बिनेशन फिट होता है, 7-4 का बहुत ज्यादा मैच आदमी जीतता है, ठीक है, बाकी 8 का भी होता है मगर बहुत ज्यादा 7 का होता है, ओके। बेंच प्लेयर ये देख सकते हैं, और कौन खेलने आए कौन नहीं आए तो बाद में देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पर देखिए सोमपाल है, करण है, उसके बाद गुलशन, ये अपना स्टार्टिंग एंड डेथ के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर संदीप है, उसके बाद गुलशन है, उसके बाद करण, ये अपना एंड करेंगे, ठीक है, समझ गए बात ना, समझे, तो ये एंड करेंगे, बाकी ये बॉलर आपके लिए 3 इसमें से एक बैट्समैन किसी को रख लीजिएगा, और नहीं तो 4 बॉलर बैट्समैन छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि इन लोग का मेरे हिसाब से धजिया उड़ा देने वाला है पाकिस्तान। अगर सुन लीजिए एक चीज और, पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के बैटर, ठीक है, समझ रहे ना, पाकिस्तान के बैटर और बॉलर, ओके, सारे तीनों चारों बॉलर जो पीछे के, इन लोग फिर बैटिंग करने आएगा, तो इनके क्या करना है आपको, क्या करना है इनके आपको, इनका थोड़ा सा बैटिंग रखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक आध 2 बैटर बाकी 2 बॉलर, ठीक है, पहले करने आता तब, याद रखिएगा इस चीज को, बाकी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पर टीम दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है, 100% जीतने वाले टीम, जो कोई नहीं देगा मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिए उसका। अब देखिए ये टेलीग्राम है, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए, कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता, बस आपको इमोजी और लाइक यहाँ पर कुछ देने होते हैं, जो मेरा चार्ज है वो, ठीक है, और कुछ नहीं है, ओके, और जिताने की जिम्मेदारी मेरी रही, टेंशन नहीं लेने का। ये अभी के लिए आप हमारे देख सकते हैं टीम को, ठीक है, हमने भी वही किया है, एक यहाँ रखा है तो एक यहाँ 3 ही रखा है इसमें, देखिए
यहाँ पर चार रखा हुआ है, रोटेशन किया मैंने, यहाँ पर तीन है, इसमें से कुछ को निकाल दिया है, किसी को ले आया, ऐसा करके मैंने रोटेशन किया हुआ, उस टाइप से आपको भी रोटेशन करना पड़ेगा। ओके, नहीं हो पाएगा तो हम टीम देंगे टॉस के बाद, टॉस के 10 मिनट बाद, ठीक ना, उसको आप देख करके आप अच्छा खासा रोटेशन अपने टीम में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट आप ले लियो, नहीं लिए तो फिर से बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक लेते हैं आपसे विदा यार, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।